यूपी में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में सारी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो राजमाइश कर रही हैं, लेकिन पूर्वांचल में एक नया समीकरण खड़ा हो गया है और किसान संगठन चलाने वाले पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केडी सिंह ने घोषणा की है कि वह पूर्वांचल में 40 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इस बात को सुनने के बाद से ही पूरे एरिया में खलबली मच गई और लोग इस बात के कयास लगा रहे हैं कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष केडी सिंह जी। केडी सिंह जी, आपका स्वागत है। ये बताइए कि आपने किसान यूनियन चलाते चलाते किन हालातों में, किन परिस्थितियों में यह निर्णय लिया कि अब आप राजनीति में उतरेंगे और 40 सीटों पर अपनी प्रत्याशी लड़ाएंगे? देश की समस्त पॉलिटिकल पार्टियां किसान विरोधी है, किसान के मुद्दे पर 100% ये लोग फेल है। वर्तमान में जिनकी सरकार प्रदेश और देश में चल रही है, मैं बार बार निवेदन किया किसान फीडर से किसान के खेत का बिजली दे दीजिए कम से कम रेट पर, किसान पेंशन दे दीजिए, कर मुक्त डीजल दे दीजिए। लगभग 100 रुपया लीटर डीजल हो गया है, इसे खेती अब होगा? किसान का किडनी बेचवाने पर उमादा हुए हैं, जात धर्म बिरादरी का नारा दे करके ये लोग सत्ता बनाना चाहते हैं और कुछ मुट्ठी भर लोग सत्ता का मलाई खाएंगे। मतलब आपका कहना यह है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार फेल हो रही है और उनकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए मजबूरन आप राजनीति के मैदान में उतरे हैं? राजनीति, जो भी हमारे 40 किसान पुत्र पूर्वांचल की विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, किसान यूनियन उस किसान पुत्रों का समर्थन करेगा जो किसान के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा और जीत करके जाएगा। पूर्वांचल में किन किन सीटों पर उतरने की योजना है आप लोगों की? हमारी पूर्वांचल के मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर, इन तमाम सीटों पर हमारे 40 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इस चुनाव में भाजपा और सपा जैसी बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियां इस पूर्वांचल में जो राजमाइश कर रही हैं, ऐसे में आपका एक नए प्रत्याशी और नए संगठन को लेकर चुनाव में उतरना कहां तक आपने आपको सफल मानते हैं? हम इन लोगों का गांव है, गरीब किसान मजदूर का नोटवा है, इन लोगों के पास वोट है, जातिगत आधार पर किसान को बांटे हैं, भाई भाई के नहीं खेते, जात जात के हो, ये लोग जात के नाम पर ड्रामा खेल रहे हैं, हर जातियों की पार्टी बना रहे हैं, आखिर अपना विकास कर रहे हैं। इन लोगों का दोहरा चरित्र इस बार 2022 के चुनाव में किसान मोर्चा के नेता होने के नाते इस बार इनका हवा खोलेंगे। अब किसान पुत्र जीत जीत करके विधानसभा में जाएगा इस बार। अच्छा, ये बताइए कि अब तो चुनाव अंतिम चरण में पूर्वांचल में होना है, तो आप अपने प्रत्याशियों की घोषणा कब तक करेंगे? 26 जनवरी को हमारे लगभग दर्जन भर पांच या छह प्रत्याशियों को। जी अध्यक्ष जी, आज आप किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं? देखिए, वर्तमान की जो राजनीति है छलियों की राजनीति हो गई है। आजादी के वर्षों वर्ष में उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के किसानों को इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने बारी बारी से लूटने का काम किया। आज खुलियामा इन लोगों का नंगा गेम चल रहा है, जाति धर्म बिरादरी के नाम पर समाज को बांट करके सत्ता बनाने के लिए उमादा हुए हैं। किसान के मुद्दे पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। 100 रुपए लीटर डीजल हो गया है, किसान फीडर की मैं मांग करता हूँ, कर मुक्त बिजली की मैं मांग करता हूँ, 5000 रुपया महीना 50 वर्ष की उम्र के बाद किसान पेंशन की बात करता हूँ, कोई इस विषय पर नहीं आया। जाति और धर्म का सिर्फ तकंडा लगा करके जनता को बरगला रहे हैं, किसान को जात में बांट करके मलाई खाना चाहते हैं। तो हम कहते नहीं कि भाई भाई के नहीं, तो तू जात के नाम पर देश चले बो, देश को कमजोर किया है देश की पॉलिटिकल पार्टी जात पर राजनीति करके, और उत्तर प्रदेश की खास करके मैं राजनीति कर रहा हूं। एक स्पेशल पार्टी जो है बहुत दूर से जो है यहाँ बाउंडल बना करके खाली जो है गुमराह कर रही है उत्तर प्रदेश की जनता को, और सरकार बनने पर यहाँ का पूरा मलाई ऊपर लेकर के खा रही है, 3 दिन के सरल माठा जो रहा है उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के गाँव गरीब किसान मजदूर के मिलेगा। किसान का किडनी ये कढ़वाने पर उमादा हुआ है, किसान के पास कुछ रहा नहीं, इसी मुद्दे पर पूर्वांचल के 40 विधानसभा क्षेत्रों में किसान पुत्र चुनाव मैदान में होंगे। अब बताएंगे इनको, बताएंगे किसान पुत्र हमारे चुनाव मैदान में जाकर। क्या ऐसा मजबूरी पड़ गया या क्या कहा जाए कि जो कि किसानों को आप 40 सीटों पर उतारने का? ये जितने मोटे असामी है 5-5 करोड़ खर्चा करके विधायक बनेंगे,
ये जितने दो नंबरी किस्म के पैसे वाले मोटे लोग हैं वही एमपी में विधायक बनने के लाइन में लगे हुए हैं हर दलों में। आई मोटे लोग जब रुपया लगा करके विधायक बनेंगे अब सरकार और सत्ता बनेगी तो गांव गरीब किसान मजदूर का भला होगा। ये गाजीपुर बलिया बाढ़ क्षेत्र रहा है पूरा बाढ़ में एकदम पूरा बाढ़ से अरबों अरबों का नुकसान हुआ। बांध की मैं बात किया गाजीपुर घाट से माझी घाट कहीं कुछ नहीं है इनका जमीन पर कहीं कुछ नहीं है सिर्फ सीधे सीधे अब सनातन और सभ्यता और भारतीय संस्कृति समय खतरे में हो गई है। धर्म और जात का एकदम बोलबाला बज रहा है लेकिन डूगी पिटा रहा है इन लोगों का। लेकिन आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या आप किसी पार्टी को समर्थन भी देंगे? ना 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 कोई पार्टी यदि कहती